मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी की आज हुई राजनीतिक मामलों की समिति की बैठक से बड़े नेताओं ने दूरियां बनाए रखी। दिग्विजय सिंह और कमलनाथ सरीके प्रमुख नेता बैठक में नहीं आए। प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक होने के बाद जो पहली बैठक थी वो विवादों से दूर न रह सकी। बैठक में बड़े नेताओं की अनुपस्थिति पर कांग्रेस के सभी नेता सफाई देते रहे। बैठक में क्या फैसले हुए और क्या चर्चा हुई, देखिए इस रिपोर्ट में। भोपाल के पीसीसी दफ्तर में आज कांग्रेस के पॉलिटिकल अफेयर कमेटी की बैठक हुई। हंगामेदार थी और दिलचस्प भी। बैठक में कमेटी से जुड़े 25 में से 12 नेता नदारद रहे। पहला दिन था लेकिन बड़े चेहरों ने प्रत्यक्ष तौर पर शामिल होना मुनासिब नहीं समझा। बैठक में कमलनाथ, दिग्विजय सिंह, उमंग सिंघार, अजय सिंह राहुल, गोविंद सिंह, कमलेश्वर पटेल, फूल सिंह बरैया समेत कुछ नेता नदारद रहे। बीजेपी के कानों में नदारद नेताओं की सूची लगता है पहले ही पहुंच चुकी थी। ऐसे में जाहिर सी बात है कि इस पर सियासत हुई। बीजेपी प्रवक्ता नरेंद्र सलूजा ने जीतू पटवारी को जमकर घेरा। तो उसको लेके जीतू पटवारी ने रेड कारपेट बिछाया, लेकिन नेताओं ने उस रेड कारपेट पे चलने से मना कर दिया है, नेताओं ने आने से मना कर दिया है। वो कमलनाथ जी जो अपना जन्मदिन मनाने के लिए चुनाव संपन्न होने के बाद 4 दिन से भोपाल और छिंदवाड़ा में थे, अचानक उन्हें दिल्ली काम आ गया और बैठक छोड़कर दिल्ली चले गए। वो दिग्विजय सिंह जिन्होंने जीतू पटवारी को जन्मदिन की बधाई का ट्वीट तक नहीं किया, उनको अचानक से दिल्ली बैठक में जाना पड़ा। बात बिगड़ चुकी थी, सियासी गलियारों में चर्चा का विषय बन चुकी थी। देखिए हमारा जो कार्यकर्ता है वो भी तो महत्वपूर्ण है, और जो बॉडी में आए वो भी तो अपने आप में नेता है। अगर कुछ बड़े नेता और छोटे नेता की हम बात करेंगे तो वो लोग हमेशा पीसीसी आते हैं और आज जूम के माध्यम से जुड़े हुए हैं, तो क्या सिर्फ उन्हीं के लिए रेड कारपेट थोड़ी बिछाया जाएगा? रेड कारपेट हमारे तमाम कार्यकर्ताओं के लिए, जो मीटिंग में आज आ रहे हैं उनके लिए भी और जो मीटिंग में नहीं आ रहे उनके लिए भी। इधर पॉलिटिकल अफेयर कमेटी की बैठक को लेकर सियासत तेज थी, तो उधर कांग्रेस कार्यालय के सामने ही बैतूल से कलार समाज के जिला अध्यक्ष और पूर्व पीसीसी सचिव रहे मनोज आर्य पहुंचे और जमकर नारेबाजी शुरू कर दी। जमीनी कार्यकर्ताओं को तवज्जो देनी होगी, देनी होगी, देनी होगी। नारेबाजी को देखते हुए आनन फानन में मनोज आर्य को जीतू पटवारी ने अंदर बुलाया और बंद कमरे में बातचीत हुई। कुछ देर बाद बाहर निकले तो दोनों ने हाथ थामे हुए थे। जो सुर मांग के लिए उठ रहे थे वो अचानक जिंदाबाद में तब्दील हो गए। जिंदाबाद, जिंदाबाद। ने जो संगठन को मजबूती प्रदान हो, और चूंकि आगे आने वाले दिनों में जो किसानों की समस्या है और लेने के बाद में हमें उन्होंने पूर्ण आश्वस्त कराया है कि आपके जिले की और प्रदेश की जो संगठन की बात है उसको जहाँ पे उचित स्थान होगा वहाँ पे दिया जाए। हंगामे से भरपूर रूठना मनाना और बीजेपी के तीखे बोलों के बीच पॉलिटिकल अफेयर कमेटी की बैठक में पहुंचे राज्यसभा सांसद विवेक तनखा ने बैठक को सफल बताया। बहुत अच्छी बैठक हुई, बहुत विस्तार से बैठक हुई, बातचीत हुई, बहुत अच्छे प्रोग्राम्स बनाने की एक रचना भी बन गई है। पहले ही दिन नेता प्रत्यक्ष रूप से बैठक में नहीं पहुंचे, इस बीच सियासी बयानबाजी भी खूब हुई। अब देखने वाली बात ये होगी कि बैठक के दूसरे दिन क्या कुछ निकल कर सामने आता है। विस्तार न्यूज के लिए सूरज तिवारी की रिपोर्ट।